हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी करेंगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो आपके सामने 20 क्वेश्चन है। अब बताइएगा 20 और 20 मार्क्स किसके आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, पॉइंट ऑफ द एग्जाम से, एक भी एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको बिल्कुल आपका एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर, तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य बताइए, परामर्श में क्या होता है, आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंसलिंग का आपका एम क्या होता है, काउंसलिंग जिसे बोला जाता है, तो इसका एम क्या होता है बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका, यहाँ पे देखते हैं, बच्चों को समझाना बिल्कुल सही होता है, बच्चों की कमियों के कारण पता करना बिल्कुल सही होता है, बच्चों के समझने में सहायता करना बिल्कुल सही। तो ये राइट आंसर क्या होगा, उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का संबंध होता है, विकास का संबंध किससे होता है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर दीजिए आप लोग। तो परिपक्वता दिया गया है, ऑप्शन बी अभिवृद्धि से, ऑप्शन से आयुषी, आयु से ऑप्शन डी उपयोग से, ये सभी से होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अधिगम को प्रभावित करता है बताइए, अधिगम को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दिया परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी दिया दोनों। बिल्कुल सही है कि अधिगम जो होता है लर्निंग को अफेक्ट करता है, आपका मेच्योरिटी और आपका अभिप्रेरणा जो होता है मोटिवेशन दोनों ही होता है। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द करेक्ट इज द राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की अवस्था पूछा गया है कि विकास की अवस्था क्या है। ऑप्शन ए दिया किशोरावस्था, ऑप्शन बी दिया बाल्यावस्था, ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे बाल्यावस्था की शैशवावस्था। ठीक है, यहाँ पे शैशवावस्था होगा, शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो ये आपके चारों विकास की अवस्था है, तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का स्वरूप पूछा गया है कि विकास का स्वरूप क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए दिया शारीरिक भी है, मानसिक है, सामाजिक, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप कोई बोलेगा ना टीचर मैडम ये तो चारों में क्या है कि आपका डी डी आ रहा है, पांच क्वेश्चन आया है, पांचों क्वेश्चन में डी ही ऑप्शन। बिल्कुल, आपको ना कभी कभी ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है कि लाइन बाई लाइन अगर देखेंगे एक वन बाई वन करके आपको डी ही ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है पूछा गया है, परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या होता है। ऑप्शन ए दिया सशक्त बिल्कुल होता है, ऑप्शन बी दिया अधिग्रहण करना ये भी होता है, ऑप्शन सी दिया धारण करना ये भी। राइट आंसर क्या होगा, उपयोग सभी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि परिपक्वता का जो मुख्य लक्षण होता है ये चारों ही होते हैं, तीनों होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है पूछा गया, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता है, अभ्यास करने की बिल्कुल सही है, प्रेरणा देने की बिल्कुल सही, प्रिय तथा अनुभव होना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, हमें मोटिवेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अधिगम प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये चारों ही करेक्ट आंसर होगा तीनों, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर, उपयोग सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। परिपक्वता प्रभावित होती है पूछा गया, परिपक्वता प्रभावित होती है तो किससे प्रभावित होती है परिपक्वता, जो मेच्योरिटी होती है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम ये भी सही है, प्रजाति प्रभाव होता है, तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और सबका क्या राइट आंसर क्या गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा नहीं है ये शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था है, शैशवावस्था को सिखाने का आदर्श काल किसने कहा। शैशवावस्था को सिखाने का सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो राइट आंसर होगा वैलेंटाइन ने। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा वैलेंटाइन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती है, शैशवावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये तीनों ही होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि शैशवावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्तियां जीवन में उथल पुथल मचाती है। ठीक है, मचाती है, तो शैशवावस्था की अगर बात करूं तो यहाँ पे जिज्ञासा होती है हर एक चीज को क्यूरिसाइड करने के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, तो राइट आंसर होगा इसका, उपयोग सभी में होती है, व्यक्तिगत में भी होती है, शैक्षिक में और व्यवसाय में। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये आपके कहे थे स्टेने हॉले, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्टेने हॉले किशोरावस्था को कहा था कि तनाव और तूफान की अवस्था माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वेक आधारित होते हैं, पूछा गया सर्वेक किस पे आधारित होते हैं, आपका इमोशंस जो होते हैं आपके सामाजिक विकास पे, शारीरिक विकास पे, मानसिक, ये तीनों पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का संबंध देखिए शारीरिक से भी है और मानसिक का भी है, तो राइट आंसर होगा जो आपका यहाँ पे डी इज सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में मुख्य योगदान पूछा गया, तो बताइए किशोरों में मुख्य योगदान क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किशोरों में जो मुख्य आपका योगदान होता है, सामाजिक विकास का भी होता है, शारीरिक विकास का भी होता है, मानसिक विकास का, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके, आप लोग स्क्रीन पर राइट आंसर दें। समायोजन का संबंध पूछा गया है कि समायोजन का संबंध क्या है, ऑप्शन है मानसिक, ऑप्शन बी दिया सामाजिक विकास, ऑप्शन सी दिया शारीरिक विकास, ऑप्शन डी दिया संवेगात्मक। तो जो समायोजन होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, ये आपका होता है क्या होता है वहां पे संवेगात्मक विकास होता है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के संवेग का पता चलता है, पूछा गया व्यक्ति के संवेग से कैसे पता चलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आनंद एवं सुख से, ऑप्शन भी दिया व्यक्ति विभिन्नता से, ऑप्शन सी आत्मगौरव से, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी से, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है तो कैसे होता है, शरीर के आकार से, शरीर की रचना से, शरीर के अनुपात से, बिल्कुल सही, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। अब आज तो लग रहा मुझे ना सब में डी इज द राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानसिक विकास का बोध होता है, पूछा गया मानसिक विकास का बोध, बोध मींस क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, नॉलेज की बात की जाएगी, मानसिक विकास का जो बोध होता है, बोध मींस क्या होता है, अगर बारे में बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। मानसिक विकास का मतलब, बोध का मतलब जो होता है आपका ज्ञान होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, भाषा विकास का, बिल्कुल प्रतिक्षीकरण, और यहाँ पे प्रत्येक का विकास होता है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। और ये आपकी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और बताइए कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स किसके आएंगे, थैंक्स, ठीक है। और अगर पहली बार होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।